हेलो एवरीवन मैं मैं चिराग जीराक्षीर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस दैट वी विल गोइंग टू कवर इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल सब्जेक्ट ओके लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है तो क्वेश्चन आपके लिए यह है कि वॉट शुड बी द करेक्ट सिक्वेंस फॉर साइज रिडक्शन इक्विपमेंट ऑफ सोलिड तो पहला यहाँ पे गिवन है फ्लूड एनर्जी में क्रशर देन हैमर मिल तो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है तो जल्दी से इसका आंसर करो इन द कमेंट सेक्शन बिलो तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल है ना तो देखिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में एंड गेट में इसका क्या वेटेज है कौन से पोर्सन से कितने मार्क्स का आता है वो सब तो दोस्तों मैं इस सब्जेक्ट को पंद्रह से सोलह लेक्चर्स में कवर करवाऊँगा है ना कोई बड़े लेक्चर्स नहीं होने वाले हैं ईच लेक्चर हार्डली पंद्रह से बीस मिनट का होगा है ना तो देखिए मैंने यहाँ पे टॉपिक लिस्ट आउट कर दिए हैं तो पहले तो हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट को हम पढ़ते क्यों है उसके बाद यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे लाप्लास का थोड़ा इंपॉर्टेंस है लाइक लाप्लास की प्रॉपर्टी वगैरह उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम देन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम देन फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटजी है ना देन उसके बाद ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे देन पी पी आई एंड पी एन आई डी कंट्रोल पढ़ेंगे देन उसके बाद स्टेबिलिटी एनालिसिस लाइक राउथ हेरे कॉलम बोडे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है ना उसके बाद कंट्रोल और ट्यूनिंग पढ़ेंगे है ना उसके बाद एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटी लाइक कास्केट कंट्रोल सिस्टम वगैरह है ना उसके बाद इनवर्स रिस्पॉन्स पढ़ेंगे उसके बाद वाल्व कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर पढ़ेंगे है ना और मैं यहाँ पे एक टॉपिक ऐड करना गलती से भूल गया है ना आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट वो है पी एन आई डी इक्विपमेंट सिम्बॉल है ना तो वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे तो दोस्तों गेट के लिए ये सब्जेक्ट को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं है ना पहला है डायनेमिक्स जिसमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम वो सब आएगा उसके बाद कंट्रोलर्स है ना उसमें पी कंट्रोलर पी एन आई डी कंट्रोलर पी आई कंट्रोलर, कंट्रोलर वो सब है ना उसके बाद स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी में बोर्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया कॉलम वो सब है ना उसके बाद एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी उसमें क्या आएगा कास्केट कंट्रोल स्ट्रेटजी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी है ना वो सब तो देखिए ये सब्जेक्ट गेट में सिक्स टू एट मार्क का वेटेज रखता है, है ना तो देखिए डायनामिक से टू मार्क्स का आता है है ना कंट्रोलर से टू टू फोर मार्क्स का पूछा जाता है देन स्टेबिलिटी से टू टू फोर मार्क्स एडवांस कंट्रोल से जिसे टू मार्क्स ठीक है तो ये देखिए ये वेरी होते रहते हैं लेकिन अगर आपने डायनेमिक्स अच्छे से पढ़ा है तभी आप स्टेबिलिटी uh, अच्छे से पढ़ सकते हैं कंट्रोलर अच्छे से समझ सकते हैं सारे पोर्शन आपको शुरू से लेके एंड तक अच्छे से पढ़ने हैं है ना तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर सब्जेक्ट का डिस्कशन शुरू करेंगे तो स्टे कनेक्टेड ओके डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल